Stress is purely depend on size of the muscles. Bicep is a very small muscle. कम सेट्स आपकी इंटेंसिटी बढ़ाता है, उनका लेग्स वर्कआउट होता है, वो लोग जिम से इतनी जल्दी बाहर आते हैं, आधे घंटे में उनका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ सेट्स एंड रेपिटिशन फॉर पर्टिकुलर मसल्स। किसी एक मसल्स के लिए कितने सेट्स होने चाहिए और कितने रेपिटेशन करने चाहिए। सो पहले हम लोग बात करते हैं सेट्स की। एग्जांपल, बाइसेप के लिए कितने सेट होने चाहिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए कितने सेट्स होने चाहिए। तो सेट्स इज प्योरली डिपेंड ऑन साइज ऑफ द मसल्स। जितना बड़ा मसल्स का साइज उतने ज़्यादा सेट्स आपको करने, जितना छोटा मसल्स का साइज उतने कम आपको सेट्स करने। बाइसेप की अगर मैं बात करूँ तो बाइसेप इज ए वेरी स्मॉल मसल, बहुत छोटा मसल्स है। ये बाइसेप मसल्स आप 2 से 4 सेट्स में तोड़ सकते हो और अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा। करने को आप चाहे फिर 10 सेट्स करो, 20 सेट्स करो, वो सारी बातें आपका टाइम खराब करने वाली है, आपकी एनर्जी खराब करने वाली है। बाइसेप के साइज को देखते हुए जो साइंटिस्ट है उन्होंने नंबर ऑफ सेट्स बताई है कि 2 to 4 सेट्स आर मोर देन इनफ। वही अगर मैं बात करूँ लेग्स की, क्वाड्रिसेप्स की, फ्रंट थाई की जिसको हम बात करते हैं, काफ़ी बड़ा मसल्स है, तो ये 2-3 सेट्स में टूटने वाला नहीं है। इसके लिए हमें कितने चाहिए, कम से कम 6 to 8 सेट्स। क्यों? क्योंकि मसल साइज बड़ा है। तो ये हमें डिसाइड करना है हमारे मसल्स को देख के। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हो उस मसल्स के साइज को आपको ध्यान में रख के एक्सरसाइज को करना है, उतने ही सेट करना है, क्योंकि किसी भी इंसान के पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है। एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बाइसेप के 6 सेट्स करने हैं और एक दूसरे इंसान को मैंने बोला कि आपको बाइसेप के 3 सेट करने हैं, तो जो 6 सेट करने वाला है आप देखोगे 3 सेट्स के बाद में उसकी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और जो 3 करने वाला है उसको पता है मेंटली कि बस मुझे 3 ही करने, तो वो इन ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर सकता है। कम सेट्स आपकी इंटेंसिटी बढ़ाता है और ज़्यादा सेट्स आपकी इंटेंसिटी कम करता है। इंटेंसिटी बढ़ने से आपको बेनिफिट होएगा, कम होने से नहीं होगा। सो इस तरह से आपको सेट्स को ध्यान में रखते हुए, मसल्स के साइज को ध्यान में रखते हुए आपको सेट्स डिसाइड करने हैं। अब बात करता हूँ मैं रेपिटेशन कितना होना चाहिए। तो मैं पहले बात करता हूँ बिगिनर्स की। बिगिनर्स वालों के लिए कम से कम 15 से 20। क्यों? 15 to 20 रेपिटेशंस, कोई हम लोग मसल हाइपरट्रॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रखना क्यों है 15 से 20 रेपिटेशन भाई? क्योंकि आप किसी भी इंसान को, किसी भी नोविस पर्सन को आप कम रेपिटेशन में नहीं सिखा सकते। आपको रेप रेंज को ज़्यादा रखना पड़ेगा, 15 से 20, 20 से 25, क्योंकि आपको उसको बताना है हाउ टू डू, हाउ टू सीट, डंबल्स कहाँ पे लेने हैं, कैसे आपको बैठना है। आप 5-10 रेपिटेशन में कैसे सिखाओगे? कंप्लीट हो जाएगी रेपिटेशन, उसकी फॉर्म करेक्ट नहीं होने वाली। तो फॉर्म एंड टेक्निक सिखाने के लिए आपको रेप रेंज को हाई रखना है, 15 से 20 या 20 से 25। वंस समबडी लर्न फॉर्म एंड टेक्निक कम्प्लीटली, उसको अब पूरा फॉर्म आ चुका है, तो आपको अब रेपिटेशन कम करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 रेपिटेशन 10 किलो से कर दो, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको 15 रेपिटेशन करना है, तो डेफिनेटली आप वो 10 का 12 से 15 किलो 13 किलो लिफ्ट करोगे। उससे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे आपको मसल हाइपरट्रॉफी करना है, चाहे आपको फैट लॉस करना है, सारी चीज़ जो पॉसिबल है वो हाई इंटेंसिटी से पॉसिबल है। ये जो मिथ है कि फैट लॉस के लिए लाइट वेट करना है, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके पीछे कोई रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके रेपिटेशन कम होंगे वैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आपको धीरे 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 रेप रेंज को ड्रॉप करके इंटेंसिटी बढ़ाना है। आपके फिटनेस गोल के हिसाब से आपको अपने आप को ट्रेन करना है। फैट लॉस के लिए कर रहे हो, मसल हाइपरट्रॉफी के लिए कर रहे हो, कौन सी मसल हाइपरट्रॉफी कितने रेपिटेशन से होती, ये भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और दिन, वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हो।
और आजकल हमारी ट्रेनिंग का सिनेरियो कुछ इस तरह का हो गया है। मैं अक्सर जब जिम में विजिट करता हूँ, अलग अलग जिम में मैं विजिट करता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट के दिन इतनी शिद्दत से ट्रेनिंग करते हैं, कम से कम एक डेढ़ दो घंटे ट्रेनिंग करते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका मसल्स तो बहुत छोटा है बाइसेप, आपने इसके लिए इतना टाइम क्यों लगाया, उसके लिए वो लोग 20 10 12 तरह के रेपिटेशन करते हैं। जब किसी दिन उनका लेग्स वर्कआउट होता है, वो लोग जिम से इतनी जल्दी बाहर आते हैं, आधे घंटे में उनका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, और ये बोलते हैं ऊपर से आज लेग्स ही तो था, लेग्स में ही क्या करने के लिए। प्रोफेशनल लेवल के लोग लेग्स को दो दिन में ट्रेन करते हैं, एक दिन क्वाड्रिसेप करते हैं, ग्लूट्स करते हैं, दूसरे दिन हैमस्ट्रिंग को काफ करते हैं। मतलब जिस एक्सरसाइज को ट्रेनिंग के लिए दो दिन लगते हैं, उस एक्सरसाइज को आज हम लोगों ने जिम के अंदर आधे घंटे में समेट दिया। और जो एक्सरसाइज को आधा घंटा लगना चाहिए बाइसेप के लिए, क्या है बाइसेप, इंटेस्टिन वेरी स्मॉल मसल, उसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा चिल्लम पुकार जिम के अंदर और इतने तरह तरह के वेरिएशंस करते हैं, एक के डेढ़ घंटे तक करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है, वैसे भी बन जाएगा वो, क्यों उसके पीछे इतना पड़े हो। जिसके पीछे पड़ना चाहिए लेग्स, उसके पीछे पड़ते नहीं है। लेग्स वाले दिन या तो लोग अक्सर छुट्टी कर लेते हैं, जब कोई ट्रेनर पूछता है कि सर आप कल नहीं आए थे, तो उसको सारा काम उसी दिन आएगा, उसको रिलेटिव के लिए जाना है, उसके सारे पर्सनल काम उस दिन निकलेंगे जिस दिन लेग्स का दिन होगा, और जिस दिन बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट को रहेगा वो दिन वो बहुत कम मिस करता है, वो ज़रूर जिम में आएगा और बाइसेप चेस्ट और जो उसके पसंदीदा यू नो मसल्स हैं उनको तोड़ के जाएगा। जबकि पता है अच्छा लेग्स का होना अच्छी बॉडी का साइन और सिम्टम्स है। ट्रस्ट मी, मैं किसी और दिन डिटेल में बात करूंगा कि लेग्स मसल से इनडायरेक्टली कैसे हमारे चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप एंड अदर मसल्स को हेल्प मिलता है हाइपरट्रॉफी होने के लिए। उसके लिए मैं एक दिन बायोकेमिस्ट्री के लिए जब मैं बैठूंगा, मैं आपको बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें बेनिफिट मिलता है मसल हाइपरट्रॉफी, पूरे शरीर की मसल हाइपरट्रॉफी कैसे लेग्स में लेग्स बेनिफिट देती है उसको। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी पर्टिकुलर मसल्स के लिए कितने सेट्स एंड रेपिटेशन होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखनी है स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन साइंस पर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए।